તો આ સાથે હવે વાત કરીશું અહીરાણીઓના મહારાસ વિશે। द्वारका नगरी में अहिराणियों द्वारा महारास की रमझट बोलावामां आवी। आज कृष्णनगरी द्वारका में अहिराणी महारास नु खास आयोजन करवामां आव्युं, जेमां गुजरात सहित अलग अलग प्रांत अने विदेश थी आवेली 37,000 थी वधु अहिर समाज की महिलाओं द्वारा रास रमवामां आव्यो। 3 कलाक थी पण वधु समय सुधी चालेला आ महारास माटे 500 एकर जगह में 5 किलोमीटर लांबू ग्राउंड बनावामां आव्यु हतुं, जेमां 37,000 थी वधु अहिराणियों मौन व्रत धारण करीने महारास रम्यो। महत्वनुं छे कि 5,000 वर्ष पहला द्वारका नगरी में रमायेला महारास अधूरो रही गयो हतो, त्यारे कृष्णलीलाना जाणीता प्रसंगों पैकी एक एवा बाणासुरनी पुत्री अने श्री कृष्णना पौत्र अनिरुद्धजीना पत्नी उषाजीए तेमना लग्न बाद द्वारका खाते गरबो रच्यो हतो, जे अधूरो रह्यो हतो, त्यारे तेमने ज स्मृति रूपे श्री कृष्णनी यादमां यादव कुलना 37,000 अहिराणियों द्वारा महारास रमीने भगवान द्वारकाधीशना चरणों में अर्पण करायो। महत्वनुं छे कि महारास में सांसद पूनमबेन माडम पण जोड़ाया हता। आ महारास माटे समस्त आहिर समाजनी अहिराणियों द्वारा अलग अलग जिल्लाओमांथी पाणीना 24 कलश लावामां आव्या हता। महारास पूर्ण थया बाद नंदधामथी द्वारकाधीश मंदिर सुधी एक विशाल विश्व शांति रेली पण निकळी हती अने जगत मंदिर में भगवान श्री कृष्णने जलना कलश अर्पण करवामां आव्या। एक रिकॉर्ड ऐसा सर्जित हुआ है कि एक ही स्थल पे करीबन 50,000 से ज्यादा, 37,000 तो रजिस्टर्ड बहनें थी, उसके अलावा उनकी जगह यहाँ बनाई गई थी अपनी भक्ति अपनी आस्था ईश्वर की तरफ कर सके, इसके लिए सुबह विशेष आयोजन उनके लिए भी व्यवस्था की गई। तो 50,000 के करीब बहनों ने आज यहाँ पे बहुत ही आस्था के साथ, बहुत ही ईश्वर पे विश्वास के साथ उनकी उपासना की। आज आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी युवा बेटे हो बेटियाँ हो, सभी ने परंपरागत पोशाक पहने थे। तो आज भी जो हमारी परंपरा पे हम गर्व लेते हैं वो बहुत ही बड़ी बात है। ये जो महारास की बहनें हैं, जो संगठन की बहनें हैं, जिन्होंने पूरा आयोजन किया है, दूर दूर तक उनको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, और यहाँ पे कोई अपना पॉलिटिकल जामा पहन के कोई व्यक्ति नहीं आया, ना अपनी पार्टी का जामा पहन के आया है, ना अपनी पोजीशन का जामा पहन के आया, वो केवल एक ही जामा पहन के आया है कि वो अपने इष्ट देव की आराधना के लिए यहाँ आया है, और उसके मन में तन में एक ही जामा है कि भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी है, संपूर्ण समर्पण के साथ करनी है, केवल प्रार्थना समर्पण इसकी भावना रही है। तो इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा बिल्कुल नहीं रहा।